गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? फाइन। टुडे वी विल टीच जीके क्वेश्चन एंड इंग्लिश। ठीक है, जीके मैच द ऑब्जेक्ट विथ कलर। ओके, एंड इंग्लिश में रहेगा आपका सी द पिक्चर एंड टेक द करेक्ट लेटर। ओके, आइए यहाँ पे हम लोग मैच करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। एप्पल बना है, लोटस बना है, मैंगो बना है, लीफ बना है, क्लाउड बना है। तो आपके उसमें देखिए एप्पल में कौन से कलर का है, रेड कलर है। लोटस कौन से कलर का होता है, पिंक कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ मैंगो, येलो। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ, ग्रीन। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लाउड, ब्लू कलर। ओके, यहां पर भी देखिए साइड में देखिए कलर दिख रहे होंगे आपको, पिंक, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। तो आपको ऑब्जेक्ट को कलर से मैच करना है। देखिए जैसे ये है, व्हाट इज दिस इज एप्पल। एप्पल का कलर कौन सा होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, रेड। रेड कलर देखिए कहाँ है, ये तो पिंक कलर है, ये है रेड। तो आपको रेड कलर से मैच करना है। ओके, देखिए इस तरह से ये, व्हाट इज दिस इज लोटस, व्हाट इज द कलर ऑफ लोटस, पिंक कलर। ठीक है, यहाँ पे पिंक कलर देखिए फर्स्ट में दिख रहा है, आपको उस कलर से मैच करना है। व्हाट इज दिस इज मैंगो, है ना, मैंगो है। मैंगो का कलर कौन सा देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ मैंगो, येल्लो। ओके, येल्लो कलर देखिए आप ढूंढिए, लास्ट में आपको मैच करना है इस तरह से। व्हाट इज दिस इज लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ, ग्रीन। ग्रीन देखिए ये है ग्रीन, तो आपको ग्रीन से मैच करना है। व्हाट इज दिस इज क्लाउड, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लाउड, ब्लू कलर, लाइट ब्लू, है ना, तो इसको आप ब्लू से मैच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका सी द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट लेटर। आपको पिक्चर दिख रहे हैं देखिए क्या है, सी फॉर कैट है, एल फॉर लोटस है, एन फॉर नेट है, यू फॉर अम्ब्रेला। आपको देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी फॉर कैट। आपको देखिए सी फॉर कैट कौन सा, ये फॉर एप्पल लेटर है एंड ये है सी फॉर कैट। तो आपको सी फॉर कैट को सी फॉर कैट से लेटर में टिक करना, ये है सी फॉर कैट, तो उसमें आपको इस तरह से टिक कर देना है। व्हाट इज दिस इज लोटस, एल फॉर लोटस। आपको एल फॉर लोटस दिख रहा है कहाँ पे, लेटर एल, वेरी गुड, टिक लगा दीजिए। एंड व्हाट इज दिस इज नेट, एन फॉर नेट। एन फॉर नेट दिख रहा है आपको, एन फॉर नेट, लेटर एन फॉर नेट, टिक लगा दीजिए। व्हाट इज दिस इज यू फॉर अम्ब्रेला, एस फॉर शीप एंड यू फॉर अम्ब्रेला, तो यू फॉर अम्ब्रेला में टिक लगा दीजिए। ओके, आप लोग को समझ आया सी द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर लेटर। इसी को ही आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टुडे इज वर्क कंप्लीट। थैंक यू।